जैसा कि हम बेलन और शंकु के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो है बेलन और शंकु के आयतनों में संबंध। तो हमने समान ऊंचाई समान त्रिज्या का एक बेलन लिया है और एक हमने शंकु लिया है। तो जब ये खड़े होइए, बताइए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच घनिकाय। बेटा अलशिफा, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घनिकाय। यानी कि हमने देखा दोनों सूत्रों से कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 होता है बेलन के आयतन का। 1/3 बेलन के आयतन का, यानी दोनों सूत्रों से देख रहे हैं, ये भी पाई आर स्क्वायर एच घनिकाय है और ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घनिकाय। तो देख रहे हैं कि जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 है, अर्थात यानी बेलन का जो आयतन है वो 3 गुना है शंकु के आयतन का। समझ में आ गया? यानी कि जितना शंकु का आयतन होगा उसमें 3 की गुणा कर दें तो ये बेलन भर जाएगा, यानी भर जाएगा। यानी यहां पे देखिए प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, समान ऊंचाई समान त्रिज्या की हमने एक बेलन बनाया है और एक शंकु बनाया है। यानी हमने देखा है कि इसका 3 गुना आयतन इस बेलन के बराबर होता है, क्योंकि हमने देखा ये सूत्र के अनुसार। तो अब इसमें हम आयतन नापने के लिए चावल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करें? चावल। तो मैंने ये चावल इसमें भर लिया, चावल मान लीजिए हमने भर लिया है, ये कितनी बार जाएगा? 3 बार इसमें जाएगा। यानी ये देखिए 1, 2 और तीसरी बार भर रहा हूं मैं, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है वो 3 गुना होता है इससे शंकु। दिखाइए थोड़ा पास आई, देखिए तीसरी बार जब मैं भर रहा हूं तो ये बिल्कुल पूरा भर जाता है, देख रहे? यानी कि ये शंकु का जो हमारा आयतन था इसका 3 गुणा कर दिया जाए तो बेलन हमारा भर जाता है। इससे हमने देखा कि जो बेलन का आयतन होता है वो 1/3 होता है, बेलन का जो आयतन होता है 3 गुना होता है शंकु के आयतन, या शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 होता है बेलन के आयतन। तो ये हमने प्रैक्टिकल के देखा। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया?